हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये है गार्नियर लाइट का फेस वॉश। गार्नियर स्किन नेचुरल लाइट कंप्लीट फेयरनेस फेस वॉश रिड्यूस डलनेस। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, फेयरनेस फेस वॉश तो आपके स्किन टोन को लाइटन करेगा, ब्राइटन करेगा, फेयरनेस प्रोवाइड करेगा, डलनेस को रिड्यूस करेगा। तो ये सारे क्लेम ये प्रोडक्ट करता है। ये जो फेस वॉश है सन एक्सपोजर से आपको बचाएगा, पॉल्यूशन है, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस है उससे आपकी स्किन पे जो भी डार्कनेस आ गई है, डलनेस आ गई है, ये उसको दूर करता है। कि इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, और मैंने कुछ वीडियोस देखे थे तो उसमें था कि पिंपल्स को दूर करेगा क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड है। सिर्फ सैलिसिलिक एसिड होने से ये पिंपल को दूर नहीं करेगा सबसे पहली बात तो, और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ केमिकल्स भी हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं, कुछ केमिकल्स सेंसिटिव स्किन पे, एक्ने प्रोन स्किन पे हार्मफुल भी हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें इसमें हैं। ये जो फेस वॉश है इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी टेक्सचर है कुछ ऐसा, और लेदर बहुत अच्छे से करता है, फ्रेग्रेंस इसमें है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि माइल्ड फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी तेज इसकी फ्रेग्रेंस है, टेक्सचर कुछ ऐसा है। और ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो कुछ दिनों में आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो ब्राइट हो जाएगा, डार्क स्पॉट्स कम हो जाएंगे, और ये अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन करेगा, क्लियर बनाएगा, ये सारा क्लेम ये प्रोडक्ट करता है। ये जो फेस वॉश है कोई ना कोई मेरे घर पे यूज़ कर रहा होगा, इसलिए रखा था, तो मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया कि क्या ये सच में मुझे फेयरनेस प्रोवाइड करेगा या नहीं। तो आगे वीडियो में बात करेंगे कि मेरे स्किन पे इसने कैसे काम किया। और ये 100 ग्राम का पैक है, 160 रुपीज़ इसका प्राइस है, और 3 ईयर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ईज़िली अवेलेबल है, आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे ये बहुत ज़्यादा ईजिली मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा। और यूज़ कैसे करना है, जैसे कि आप अपना नॉर्मल फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं वैसे ही इसको यूज़ करना है। 2 से 3 बार आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है कि ये सारे स्किन टाइप्स को सूट करता है, और मैं अभी कुछ दिनों से इसको यूज़ कर रही हूँ, तो आपको पता ही है ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है। तो जब मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, तो जब मैं अपना फेस को वॉश कर लेती हूँ उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा क्रीमी क्रीमी अपने स्किन पे लगता है, अजीब सा लगता है, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इसको यूज़ करके, सही बताऊँ तो अगर ड्राई स्किन होगी तो आपको अच्छा लगेगा इसको यूज़ करके, पर अगर आपकी ऑयली स्किन है तब इसको यूज़ करके अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्रीमी टेक्स्चर है, तो बहुत ज़्यादा क्रीमी क्रीमी सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ फेस से निकला ही नहीं, जबकि ये बहुत अच्छे से लेदर भी करता है, फिर भी आपको ऐसा लगेगा इसको यूज़ करने के बाद जैसे आपके फेस में कुछ क्रीम सा लगा रह गया हो, और अच्छा नहीं लगता, जाने क्यों नहीं अच्छा लगता। और मैंने 2-3 बार इसको यूज़ किया तो मुझे छोटे छोटे दाने भी आ गए, तो एक्ने प्रोन स्किन है बिल्कुल नहीं लगाना है, ऑयली स्किन है नहीं यूज़ करो। ड्राई स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हो, पर ड्राई स्किन पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है कुछ है, तो अब इसको यूज़ नहीं करो, और सेंसिटिव स्किन वाले बिल्कुल इसको यूज़ ना करें। फेस वॉश है, इसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि ये पैराबेन सल्फेट फ्री है, इसमें केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं किए गए हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको इसको परचेज़ करना चाहिए, फिर भी ड्राई स्किन है तब आप इसको एक बार सोच सकते हो कि हाँ चलो कर लेते हैं, पर मैं नहीं कहूँगी कि इसको यूज़ करना चाहिए बाकी सारे स्किन टाइप को। और मुझे नहीं पसंद आया, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना कि आपकी स्किन पे इसने कैसे काम किया। मेरे स्किन पे तो नहीं काम किया, हो सकता है आपकी स्किन पे काम किया हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आज का ये रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।